Good morning, dear friends, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ. This is a new week. ये एक नया हफ्ता है. And this is a new day. और ये एक नया दिन है. And let us spend few minutes in the presence of God, listening to His voice. और आइए हम कुछ समय को बिताएंगे परमेश्वर की वाणी और उसके वचन से सुनने में. I like to speak to you something about Job. और मैं आज की सुबह आपसे बात करना चाहूँगा अय्यूब के विषय में. For our text, let us turn to chapter 19, verse 25. और आइए वचन जो हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब उसका 19वां अध्याय 25वें वचन को. And it is written here. और इस प्रकार यहाँ पर लिखा है. The words of Job. अय्यूब अपने शब्दों में इस बात को कहता है. For I know that my Redeemer lives, and at the last he will stand upon the earth. मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा. No one has suffered as Job had. और किसी भी प्रकार से किसी और ने उस प्रकार की तारणा और मुश्किलों से होकर के नहीं निकला जैसा अय्यूब होकर के निकला. In his troubled days, he asked three vital questions. और अपनी कठिनाइयों के समय में उसने तीन मुख्य या महत्वपूर्ण सवालों को पूछा. The first question you read in Job chapter 14, verse 4. और पहले सवाल को आप 14वें अध्याय उसके 4वें वचन में पढ़ते हैं. And the first question is this. और पहला सवाल ये है. अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु कौन निकाल सकता है? कोई नहीं. Who can bring a clean thing out of an unclean? There is not one. And the second question is the same chapter, verse 10. और दूसरा सवाल 14वें अध्याय में ही 10वें वचन में हम पढ़ते हैं. But a man dies and is laid low. Man breathes his last and where is he? परंतु मनुष्य मर जाता है और परा रहता है. जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा? And then the third question is the same chapter, verse 14. और तीसरा सवाल भी अय्यूब 14वें अध्याय और 14वें वचन में हम पढ़ते हैं. If a man dies, shall he live again? All the days of my service, I would wait till my renewal should come. यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा ना होता, तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता. Now, if you study this, you will find out how Job defeated depression. और आप जब इस वचन को पढ़ेंगे, इस विषय में अध्ययन करेंगे, तब आप इस बात को पढ़ेंगे और जानेंगे कैसे निराशा के को अय्यूब ने हराया. Depression is a terrible problem that almost everybody faces sometimes in life. और ये निराशा एक ऐसी भयानक समस्या है जिसका सामना हर कोई कभी ना कभी अपने जीवन में करता है. And Job was not exempt. और इसमें से अय्यूब भी बच ना पाया. And our thought now is how did he defeat this problem? और हमारा विचार अब ये है कि कैसे अय्यूब ने इस निराशा की समस्या में विजय पाई. Number one, पहला, his confidence in the living Redeemer. उसका भरोसा जो जीवित छुटकारा देने वाले पर था. So that's a very important thing that is available for us too to hold on to this wonderful promise of God. और ये एक वैसी महत्वपूर्ण बात है जो हम सब के लिए उपलब्ध है कि हम भी उसमें पकड़े रखें. In the Redeemer, I know my Redeemer lives. मुझे निश्चित है मेरा छुटकारा दिलाने वाला जीवित है. A certainty. एक आशा. And the second way. और दूसरा तरीका. His faith reached beyond his present struggles. और उसका विश्वास उसके वर्तमान की कठिनाइयों और परिस्थितियों से आगे की ओर बढ़ा. Now, look at Job's faith again in the 19th chapter. और फिर से हम अय्यूब के विश्वास को अय्यूब की पुस्तक 19वें अध्याय में देखें. For I know that my Redeemer lives, and at the last he will stand upon the earth.
मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा. And what a confidence. और कैसा भरोसा. I know that my Redeemer lives. वो कहता है मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है. And look at Job's confidence. और अय्यूब के भरोसे को आप देखिए. I know. कि मुझे निश्चित है. Job's Redeemer is identified here. और अय्यूब के छुटकारा देने वाले को यहाँ पर पहचाना गया है. That for that the world has to wait. और उसके लिए इस पृथ्वी को इस संसार को इंतजार करना होगा. And for about 2000 years before the world could identify. और 2000 साल पहले संसार ने उसे पहचाना. And we who now live in the New Testament period. और अब हम जो इस नए वाचा या नए नियम के समय में जी रहे हैं. We know who that Redeemer is. हम जानते हैं कि वो छुटकारा देने वाला. Christ is the Redeemer. वो मसीह यीशु ही छुटकारा देने वाला है. Let us turn to Romans chapter 3. आइए रोमियों की पत्री उसका तीसरे अध्याय की ओर हम जाएं. If you look into this verse. और यदि आप इस वचन की ओर देखेंगे. Romans. रोमियों की पत्री तीसरा अध्याय 24वां वचन. Yeah, you go ahead and read. परंतु उसके अनुग्रह से उसे छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सत्मेत धर्मी ठहराए जाते हैं. Yeah, here is the Redeemer. और यहां पर हम उस छुटकारे देने वाले को पढ़ते हैं. Jesus Christ. यीशु मसीह. Through the redemption that is in Christ Jesus, we are justified. परंतु उस अनुग्रह से उसे छुटकारे के द्वारा जो मसीह प्रभु यीशु में है सत्मेत धर्मी ठहराए जाते हैं. So Jesus Christ is that Redeemer. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह वो छुटकारा देने वाला. And through him. और उसी के द्वारा. Again in Colossians chapter 1. और फिर से कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय. Verse 14. और 14वां वचन. We are told in whom, that is in Christ, we have redemption, the forgiveness of sin. जिसमें का मतलब है प्रभु यीशु मसीह. हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है. Redemption is from the Redeemer. छुटकारा तो छुटकारे देने वाले से है. The one who redeem is the Redeemer. और वो जो छुटकारा देता है वो है छुटकारा देने वाला. And you read it in 1 Peter chapter 1. पहला पत्रुस की पत्री उसके पहले अध्याय में भी आप इसी बात को पढ़ते हैं. पहला पत्रस पहला अध्याय 18वां वचन. फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 वी हैव हियर. नोइंग दैट यू वर रैंसम्ड from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चलता आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ. Then in Revelation chapter 5, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 5वां अध्याय verse 9, नवा वचन. We are told here, and they sang a new song saying, worthy are you to take the scroll and to open its seals, for you were slain and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation. वे ये नया गीत गाने लगे तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरे खोलने के योग्य है क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक के कुल और भाषा और लोग और जाति में से
परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है. यू हैव रिडीम्ड. तूने सबको मोल लिया, छुटकारा. सो हियर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिडीमर ऑफ जॉब. और इसलिए हम अय्यूब के छुटकारा या मुक्ति करते की पहचान को यहाँ पर देखते हैं. जॉब देयरफॉर इज अ प्रॉफेट. ही कुड थ्रू हिज प्रोफेटिकल विजन ही सॉ हिज रिडीमर. और इस प्रकार से अय्यूब एक भविष्यवक्ता है, क्योंकि एक भविष्यवक्ता होते हुए उसने उस भविष्य में अपने मुक्तिकर्ता, अपने छुटकाराकर्ता यीशु को देख लिया था. There are two things about this redeemer also Job saw. ऐसी और दो बातें हैं जो अय्यूब ने इस मुक्तिकर्ता, इस छुटकारेकर्ता के विषय में देखी. Number one, he ever liveth. और पहली बात, वो हमेशा जीवित रहता है. Hebrew chapter 7 verse 25. और इब्रानियों की पुस्तक उसका सातवां अध्याय 25वां वचन. Verse 25 say, consequently he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है. और यहाँ पर हम देखते हैं and he lives to make intercession on our behalf. कि कैसे वो सर्वदा जीवित है, और सर्वदा जीवित है कि हमारे लिए उन विनतियों को परमेश्वर से करे. And he is able to save us completely. और वो हमें पूर्ण रीति से बचाने के योग्य है. What a wonderful savior. और कितना अद्भुत उद्धारकर्ता. What a great redeemer. और कितना महान छुटकारा करता. And he redeemed people with a great price he paid. लोगों को एक महान दाम के द्वारा छुटकारा दिलाया. What was the price? और वो दाम क्या था? His own blood and life. खुद का जीवन, उसका खुद का लहू. Hallelujah. Hallelujah. Such a savior. और ऐसा उद्धारकर्ता. Such a redeemer. और ऐसा छुटकारा और मुक्ति. He lives forever. और वो हमेशा सर्वदा जीवित है. And because he is alive. और क्योंकि वो जीवित है. He is able to save you. और इसलिए वो योग्य है कि आपको बचाए. And secondly. दूसरी बार. Job says he not only lives forever but he will stand on the earth. और अय्यूब कहता है ना केवल वो सर्वदा जीवित है लेकिन वो फिर अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा. Revelation chapter 5 verse 10. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5वां अध्याय 10वां वचन. Praise God. He says and you have made them a kingdom and priest to our God and they shall reign on the earth. और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज और याजक बनाया और वह पृथ्वी पर राज करते हैं. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु. He ever liveth. वो हमेशा सर्वदा जीवित. Then in Revelation 1 verses 17 and 18. तो प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 17वां और 18वां वचन. When I saw him I fell at his feet as though dead, but he laid his hand on right hand on me saying, fear not, I am the first and the last and the living one. I died and behold I am alive forevermore and I have the keys of death and Hades. जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा. उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ. मैं मर गया था और अब देख मैं युगानायुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं. He is our redeemer. वो हमारा छुटकारा है. And he will stand on the earth. और वो पृथ्वी पर खड़ा होगा. He ever lives. वो हमेशा सर्वदा जीवित है. And at the end he will stand on the earth again. और अंत में वो उस पृथ्वी पर फिर से खड़ा होगा. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति. This is the confidence. और ये है वो भरोसा. But also concerning Job. Look at the time of this confidence. और अय्यूब के विषय में इस बात को देखते हुए हम उस समय को भी देखें जब ये भरोसा, ये हियाव उसके पास था. Time was when there was death all around him. और ये समय ऐसा था जब उसके चारों ओर मृत्यु गूंज रही थी. And his own 10 children
died on the same day. और उसके खुद के 10 बच्चे उसी एक ही दिन में मर गए. And the children dead, and he is on the verge of death. और वो बच्चे तो मर चुके थे और वो मरने की कगार पर था. That was the time when he said. समय था जब उसने इस बात को कहा. So the next thing to notice is Job had a sure hope in a world of uncertainty. और जो अगली बात हमें ध्यान लगानी है वो ये है कि अय्यूब के पास एक निश्चित आशा थी एक ऐसे संसार में जो अनिश्चित है. And my friends, today more than any other time, और मेरे मित्रों आज के दिन में किसी और समय से कहीं ज्यादा, we know that we are living in a world of uncertainty. हम जानते हैं कि हम कैसे एक ऐसे समय काल में जी रहे हैं जब सारी बातें उथल पुथल. People are fearful. लोग तो डरे हुए हैं. They don't know what is going to happen next. उन्हें ये नहीं पता कि अगला क्या होगा. Besides terrorism and natural calamities increasing and there is a threat of wars all around us, and in the midst of it all, और जैसे कि लड़ाइयों की गूंजना हम सुनते हैं हर इधर उधर बातें तितर बितर हो रही हैं इन सारी बातों के बीच में. What was Job's future? अय्यूब की भविष्य क्या था? So it was at that uncertain times Job had this assurance and confidence. और ऐसे अनिश्चित समयों में अय्यूब के पास ये भरोसा ये हियाव मौजूद था. And he said, और उसने कहा, In my flesh I shall see God. मैं अपनी इस देह अपनी इस शरीर में परमेश्वर को देखूंगा. What a confidence. और कितना बड़ा भरोसा. My friends, मेरे मित्रों, if I want to say this, there is only one thing that you can hold on to and hope for your eternity. सिर्फ एक ऐसी ही बात है जिसको आप पकड़े रह सकते हैं और वो है आपके अनंत की एक आशा. That is the resurrected Christ is alive and his promises are true. इसका मतलब है पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह जीवित है और उसके वादे सच्चे हैं. As Job saw God, और अय्यूब ने परमेश्वर को देखा. God spoke to him again. परमेश्वर ने उससे फिर से वार्तालाप की. And God multiplied his blessings in his latter days. और परमेश्वर ने उसके अंत के दिनों में उसकी आशीषों को और दुगना कर दिया. This is our God. और ये हमारा परमेश्वर. This is the confidence. और ये है वो भरोसा. And those who have this faith in the Lord Jesus Christ, और ऐसे जिनके पास ऐसा भरोसा है प्रभु यीशु मसीह पर, can live in confidence, वो इस भरोसे में जी सकते हैं, and face our uncertain future, और अपने अनिश्चित भविष्य का सामना कर सकते हैं. The Lord bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you for this confidence that we can have. पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इस भरोसे के लिए जो हम रख सकते हैं. Because of Jesus, यीशु के द्वारा, who died but rose again from the dead, जो मरा और लेकिन मरे हुए में से फिर से जी उठा. And now he has given us a hope, अब उसने हमें एक आशा दी है, that we too shall not die, ताकि हम भी मरे नहीं. Because we believe in the one who died but rose again and is alive forever, क्योंकि हम एक ऐसे में विश्वास करते हैं जो मरा और जी उठा और अब सर्वदा जीवित है. And so there is confidence in Jesus Christ. और इसलिए अब प्रभु यीशु मसीह में वो ही. Thank you in Jesus name. प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद. This is a great day, friend. ये एक महान दिन है. Live in the confidence of God. परमेश्वर के भरोसे में. In the assurance that doesn't matter what may happen, what may not happen, but I know one thing: my eternity is secured in Jesus. और इस आशा के साथ कि भले ही कुछ हो या ना हो, लेकिन मेरा आनंद तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के संग निश्चित है. आमीन.